प्यारे बच्चों, ये 8th क्लास में चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, ये लगभग एक जैसे ये क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं, फिर मैं बाकी के भी क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। लो, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन ईयर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। नीचे एज दी हुई है 13, 14, 12, 13, 14, ऐसे एज दी हुई है, और इसे इसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। लो देखो कैसे। लो जी, एजेस मैंने जहां लिख दी है, ये मेनली तीन तीन कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम एजेस इन ईयर्स, दूसरा टैली मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जहां एज का डिफरेंस बहुत कम है, जो डाटे में जो डिफरेंस है बहुत कम है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक है बस, तो कम होने के कारण हम इसको इंटरवल में नहीं बांटते, तो सीधा ही लिख देते हैं 17 तक। अगर बड़ा, अगर डाटा बड़ा होता ना, रेंज ज्यादा होती डाटे की, फिर उसको हमने क्या करना था, ऐसे इंटरवल में बांटना था, 30 to 35 जैसे ये है, ऐसे इंटरवल फिर देखना पड़ता है कितने इंटरवल में ये ठीक होगा, 5 हो क्लास साइज या 10 हो क्लास साइज, वो फिर डाटे के हिसाब से हम देखते हैं। लो इसको, ये तो सिंपल ही है, पहला कॉलम एज इन ईयर्स है, दूसरा टैली मार्क्स है, तीसरा फ्रीक्वेंसी है। तो इसको, ये काम को जरा ध्यान से करना पड़ता है। लो टैली मार्क्स कैसे लगाने हैं हमने, जैसे 13 है साथ में टिक लगा लेंगे, ये 13 है तो ये ऐसे निशान लगा देना है ऐसे। आगे 14 है तो 14 के लाइन में आपने ऐसे निशान लगा देना, जो 14 ऐसे। 12 को जहां निशान लगा दो, 13 को जहां ऐसे, 14 का जहां टैली मार्क्स लग जाना, आगे 13 साथ में टिक लगाइयो, 13 का जहां, 15 का जहां, 14 का जहां लग जाएगा, फिर 13 है, 13 का जहां, अब फिर 13 आ गया तो ऐसे इसे क्रॉस कर दो, तो आगे फिर 14 है, 14 का लगना है जहां, फिर 14 आ गया फिर क्रॉस कर दो, 12 का टैली मार्क जहां लग जाएगा, 16 का जहां नीचे, फिर 14 है, 14 का जहां, फिर 13 की लाइन में, फिर 14 है तो जहां, फिर 16 का जहां नहीं लगना, जहां, तो फिर 15 का जहां लगना, तो इसे कर देते हैं ठीक। लो 15 का जहां लग गया, अब 14 का जहां, 14 की लाइन में, 13 का जहां, फिर 13 आ गया तो वो भी जहां लग जाना, फिर 17 साथ में टिक लगा लो, फिर 12 का ऊपर, 12 की लाइन में, 13 का जहां लग गया। लो जे टैली मार्क्स लग गए। लो अब जे टैली मार्क्स को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, जो 3 आ गई फ्रीक्वेंसी 12 की, 13 के आ गया 4, तो जे क्रॉस भी गिनना है, 5 + 4 = 9, जे 5 हो गए, +3 = 8, 2 जे भी 2 है और जे 1 है, अब इनका टोटल लगा लेते हैं, 3, 9, 12, 20, 22, 24, 21, 25, तो 25 है, तो जहां चेक हो जाता है जे 25 स्टूडेंट थे, जे बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। लो ऐसे क्वेश्चन 1 है, फॉलोइंग डाटा दिया ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज, कितने कितने चिल्ड्रन है, 40 फैमिली है, ऐसे ही कॉलम बना लेने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टैली मार्क्स, तो फ्रीक्वेंसी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे ही आपने जहां से गिन के टिक भी लगाते जाना, इधर टैली मार्क्स ऐसे लगाते जाना आपने, तो फिर उनको काउंट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ स्टडी ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, 30 डेज ये ऑब्जर्वेशन की है, भी एक दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है 30 डेज की,
इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे, टैली मार्क्स, आगे फ्रीक्वेंसी का खाना कॉलम बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सिक्स तक का ना एक्सीडेंट्स, बस ऐसे टैली मार्क्स आपने जहां लगाते जाना जैसे मैंने क्वेश्चन 3 में बताया। ये तो कर लिया हमने। क्वेश्चन 4, द शॉपर हु केम टू डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, मैन को एम लिखा, वुमेन को डब्ल्यू, गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज भी आते जो खरीदने आते होंगे। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, ये लिस्ट दी हुई है, डब्ल्यू डब्ल्यू जी डब्ल्यू कितने आए, ये फर्स्ट आवर की बात ही कर रहा है। तो ऐसे शॉपर्स कॉलम बन जाने टैली मार्क्स, फ्रिक्वेंसी एम डब्ल्यू बी जी, एम मैन, वुमेन, डब्ल्यू बॉय, गर्ल, ऐसे लिख के ऐसे ही टैली मार्क्स आपने लगाते जाना, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगा।